him. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, गणमान्य अतिथिगण, संसद के नवनिर्मित भवन के निर्माण की अभूतपूर्व कीर्ति गाथा एवं इस कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय अध्यक्ष लोकसभा के आसन की दाहिनी ओर स्थापित ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल के महात्म्य से संबंधित दो विशेष फिल्म प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं। पहली फिल्म का शीर्षक संसद का नवनिर्मित भवन तथा दूसरी फिल्म का शीर्षक सेंगोल है। आइए हम इन फिल्म प्रस्तुतियों को देखते हैं। का दर्पण एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में, वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में, गण सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना, देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस
यानी जल को नमन, शार्दुल और गर्भ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम, संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग दोगुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग डेढ़ गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा, और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोनवर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं, 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता
विकसित भारत के संकल्प को गति देता। ये है हम भारतीयों का संसद भवन। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया और नए भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के अधिनमों से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि में विराजित हैं। ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवा वडथुरई आदिनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया था, जिसका आयोजन भारतीय सभ्यता के अनुसार किया गया था। उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका, जो मिलना चाहिए था। कहानी मुड़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम की ओर, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978, मठ के 68वें प्रमुख परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, वे सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम से इसका वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था, लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक बार इस अद्भुत संस्मरण के सार्वजनिक होने पर तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। माननीय प्रधानमंत्री एक परंपरागत प्रतीक की खोज में थे। तत्पश्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसका प्रमाण मीडिया विश्लेषणों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह ऐतिहासिक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में मिला। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आणई कहा जाता है। इस विचार से माननीय प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्वितीय प्रतीक को अमृतकाल के प्रतिबिंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे।
सिंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरण कराता है। इस दृढ़ता के साथ भारत विश्व गुरु के रूप में अपना यथोचित स्थान ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है। अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं माननीय सभापति राज्यसभा श्री जगदीप धनखड़ जी के शुभकामना संदेश पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी को। माननीय हरिवंश जी। भारत के उपराष्ट्रपति संदेश। भारतीय लोकतंत्र की अभूतपूर्व विकास यात्रा की इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी और गौरव क्षण में पूरे देश को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी है। हमारा मौजूदा संसद भवन आज़ादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अमृतकाल के दौर में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने से लेकर जनता की मूलभूत सभी जरूरतों की पूर्ति तक, देशवासियों को सशक्त बनाने से लेकर समग्र गरीबी उन्मूलन तक यह गौरवशाली भवन भावी दशकों के दौरान अनेक ऐतिहासिक पलों का अध्याय लिखेगा। नई संसद हमारी शाश्वत धाराओं का प्रतीक है। यह हमारी समृद्ध भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगति विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम तरीके से आत्मसात करने की हमारी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां हमारे कर्मठ व प्रतिबद्ध श्रम शक्ति के अटल संकल्प को रोकने में विफल रहीं। यह भव्य देशज नई संसद गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के हमारे राष्ट्रीय संकल्प का भी प्रतीक है। मुझे बेहद खुशी है कि हमारी संसद का नया भवन भारतीय मूल्यों संस्कारों का प्रकाश स्तंभ है। इसमें हमारे मुल्क की विविधता, देश के हर कोने से लाई गई कलाकृतियां व मूर्तियां हैं जो भारतीय कला तथा संस्कृति की श्रेष्ठतम प्रदर्शनी के रूप में इसकी भव्यता में चार चांद लगाती हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं हसरतों की सुचारू पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सनातन परंपराओं तथा श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मानकों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। संसद का यह भवन देश के कोने कोने के भिन्न भिन्न श्रेष्ठ विचारों को प्रतिबिंबित करेगा। इनके बीच राष्ट्रीय सहमति बनाने की दिशा में इसका अमूल्य योगदान होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद का नया भवन नीतियों और विधानों के माध्यम से देश के हाशिए के लोगों को विशेष तरजीह देते हुए सभी देशवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का सक्रियता से समाधान सुनिश्चित करेगा। इस तरह भारत की बुनियादी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा। यह मुल्क लोकतंत्र का पालना है। दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के वैश्विक फैलाव और संरक्षण में सहायक रहा है। मैं आश्वस्त हूं कि सम्मान, महिमा, विज्ञान, महान संस्कृति का प्रतीक संसद का नया भवन लोकतंत्र को जीवंत रखने एवं सुदृढ़ करने की दिशा में हमारे सतत प्रयासों को पुनः नई ऊर्जा और बल देगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यह कहते हुए मुझे अपार खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आजादी के बाद जन्म लेने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री हैं, इस शानदार भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद लोकतंत्र का मार्गदर्शक ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार है। संसद लोगों के जनादेश को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रामाणिक मंच है। किसी देश की नियति को दिशा देने में इसकी निर्णायक भूमिका असंदिग्ध है और यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र और सार है। तकनीकी रूप से सशक्त संसद निश्चित रूप से संसद सदस्यों को राष्ट्र की नियति को आकार देने के लिए अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को श्रेष्ठतम रूप से उजागर करने में सक्षम बनाएगी। लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रस्फुटित करना सुनिश्चित करेगी। लोकतंत्र के मंदिर के रूप में संसद की उदात्तता को बढ़ाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नया भवन भविष्य की भावी चुनौतियों के बीच भारत का पथ प्रदर्शक बनेगा। हमारी साझा उमंगों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को सार्थक और सशक्त दिशा देगा। हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का हस्ताक्षर, दिनांक 28 मई 2023, नई दिल्ली। शुभकामना संदेश हेतु माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आभार। आज के इस ऐतिहासिक समारोह को अपनी मंगल कामनाओं से अभिसिंचित करने हेतु भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेरणादायी संदेश प्राप्त हुआ है। मैं माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आशीर्वचन संदेश का पाठ करने की कृपा करें। राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र, संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धूरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण
और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्ज्वल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की हृदय से सराहना करती हूं जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक इस भवन का निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। इनके अनथक प्रयासों की स्मृति देशवासियों के मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि नवनिर्मित संसद भवन भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं और आदर्शों के अनुरूप नए प्रतिमान स्थापित करें। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर है। 26 मई 2023 नई दिल्ली। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभकामना संदेश हेतु आभार। भारतवर्ष लोकतंत्र की जननी है। हर भारतवासी युग युगांतर से हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का संवाहक रहा है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के मानस पटल पर भारत की संसद इन शाश्वत एवं जीवंत आस्थाओं का स्पंदन केंद्र के रूप में अंकित है। भारत की संसद की सशक्त धुरी के रूप में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष की भूमिका सर्वमान्य है। मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी। नमस्कार। भारत की लोकतांत्रिक आस्था के प्रतीक हमारी संसद के इस नवनिर्मित भवन में के लोकार्पण समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में संपूर्ण राष्ट्र आज इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं जिनके दृढ़ संकल्प और प्रेरक मार्गदर्शन से संसद का यह नया भवन 2.5 वर्ष से भी कम अवधि में बनकर तैयार हुआ। मैं उन हजारों श्रमिक भाई बहनों को नमन करता हूं जिनकी निरंतर श्रम साधना और कठिन परिश्रम से ये भागीरथ प्रयास पूरा हुआ। कोविड महामारी के कठिन समय में हमारे श्रमिकों ने अपने कर्तव्यों के प्रति अद्भुत समर्पण दिखाया, जिसके कारण राष्ट्र का ये सामूहिक संकल्प सिद्ध हुआ। जनप्रतिनिधि जनहित और जनता का सेवा भाव के रूप में काम करते हैं। पिछले 7 दशकों से संसद के अंदर हमारे विद्वान नेताओं और सांसदों की उत्कृष्ट चर्चा
और संवाद से जनता की समस्याओं का समाधान किया गया और महत्वपूर्ण कानून भी बनाए जिससे लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ, हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ। इस अवसर पर मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा में मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष ने सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने में समर्पित भाव से योगदान दिया, उनका भी मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। भारत विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी पहचान है। संसदीय लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंपराएं और प्रपाटियां स्थापित की है। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। लोकतंत्र हमारे इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। लोकतंत्र हमारे वर्तमान की ताकत है। लोकतंत्र हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार है। हमारी संसद घरेलू और वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। विविधता में एकता भारत की शक्ति है। ये शक्ति संसद में भी दृष्टिगत होती है, जहाँ क्षेत्रीय तथा विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद सांसदगण राष्ट्रहित के विषयों पर एक स्वर में अपनी बात को रखते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। भारत की संसद इस प्राचीन राष्ट्र की गौरवपूर्ण लोकतंत्र विरासत की कस्टोडियन है। हमारा वर्तमान संसद भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसलिए अपनी इस अनमोल धरोहर को संभाल कर रखना भी हमारा दायित्व है। पिछले वर्षों में पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कई अवसरों पर संसद के नए भवन के निर्माण की आवश्यकताओं को महसूस किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद का नया भवन बनाने का आग्रह किया। मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आग्रह को तत्काल स्वीकार किया और इतने कम समय में इसको साकार भी कर दिया। हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर सेंगोल को अध्यक्ष पीठ के समीप स्थापित कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मान एवं न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष शासन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सृजन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
हमारे नए भवन में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूलता की विशिष्टता का समागम है। यह भवन वास्तुशिल्प, कला व संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। इसमें संपूर्ण भारत की उत्कृष्ट व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे। इस भवन में प्रत्येक भारतीयों को अपने अपने राज्य की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। इसलिए मेरा माननीय सांसद मित्रों से अनुरोध है, हम संसद में जब नए भवन में प्रवेश करें तो नए संकल्प के साथ प्रवेश करें। हम लोकतंत्र की अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। हम संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के नए मानदंड स्थापित करें ताकि विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भारत की लोकतांत्रिक संस्था आदर्श बन सके। मुझे पूर्ण विश्वास है नए वातावरण में हम सब मिलकर अधिक ऊर्जा के साथ रचनात्मक व सकारात्मक चर्चा के माध्यम से एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्मारक डाक टिकट जारी करने की कृपा करें। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विशेष सिक्के को भी जारी करने का कष्ट करें। मैं सभी गणमान्य अतिथियों को अवगत करा दूं कि 75 रुपये का यह स्मारक सिक्का भारत सरकार के कोलकाता टकसाल ने चांदी, तांबा, निकेल एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से तैयार किया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा एवं माननीय उपसभापति राज्यसभा। संसद के नवनिर्मित भवन के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक और जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है, ऐसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे इस सभा को अपने विचारों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें
समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर
और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदिनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा
प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे इस सभा को अपने विचारों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है, और इसलिए चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का यह अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का यह अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का यह अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु, भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को
पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी, इसलिए ही बीते डेढ़ दो दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहाँ बैठते हैं। और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है, बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हो, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित
एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं, यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास देश के लोगों का विकास। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आजादी का ये अमृतकाल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के
100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था। और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश, जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम नमः। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानानम। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अप्पदिवो भव।
हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा बिंदते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा, लोक हितम मम करणीयम। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग, समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, गणमान्य अतिथिगण। भारत की संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।
the gathering after the inauguration of new parliament. As you can look at your TV screens, dignitaries assembled in the Lok Sabha of Parliament's new building, a place where we heard Prime Minister's address and the message from the President and Vice President of India as well on this occasion. Prime Minister very aptly described the new building of the Parliament House as a reflection of aspirations and expectations of all Indians, clearly underlining that the new building of the Parliament will become the witness to the rise of a self-reliant India. How this building will now witness new laws, new policies being debated, discussed and passed for the welfare of common Indians, and also taking India ahead on the path to progress in Amrit Kaal. We can see Prime Ministers and other dignitaries there on your television screens. All of them were present during this ceremony. Prime Minister accompanied by Lok Sabha Speaker Om Birla and Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh. Now moving out of the new building of a Parliament, which was inaugurated today, constructed in record time of less than 2.5 years. The foundation stone was laid by the Prime Minister in December 2020, to be precise on 10th of December, after a resolution was passed by both Houses of Parliament that a new building for the Parliament should be constructed adjacent to the old one. And as the Prime Minister in his speech also mentioned, how this new building is a perfect example of coexistence of the old and the new. Customary group photographs with the Prime Minister, a historic occasion indeed, attended by various ministers, chief ministers, members of parliament, representatives of foreign missions in India. And other dignitaries also. In the morning, we witnessed the pious ceremony where the Prime Minister was handed over Sengol, and the Prime Minister, accompanied by Lok Sabha Speaker and Deputy Chairman of Rajya Sabha, now coming out of the new building of Parliament House. Approximately 29 months is the time which was taken by the various agencies involved in the construction of the new building of Parliament House. And as the Prime Minister in his address also pointed out, that this entire process of the construction of new Parliament building gave employment to approximately 60,000 workers. And a digital gallery dedicated to these workers has also been built. In fact, the Prime Minister met a select group of these construction workers in the morning today, expressing his gratitude and thank. Taking this thought forward, the Prime Minister in his address just a short while back also pointed out to the members of Parliament that it is now their responsibility to
carry forward the legacy or built a new legacy on this new building of Parliament House through fruitful debate, discussions, and passing of various bills, legislations, policy matters as well, which will then further the progress of India as a self-reliant nation. So